नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं एमएनसीज लाइव। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। मल्टी कलर में बिखेरा जलवा, एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह एक फैशन वीक के तीसरे दिन शो स्टार शॉपर बनी। उन्होंने स्टेज पर रैंक वॉक किया। एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह का नाम बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में आता है। ये हमेशा अपने फैशन सेंस के लिए चर्चित रहती है। इस इवेंट पर चित्रांगना ने मल्टीकलर ड्रेस पहनकर और खास तरह के मेकअप से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। डॉक्टर जी की कमाई में आया उछाल। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग कुछ खास नहीं रही है। हालांकि फिल्म के दूसरे दिन की कमाई में उछाल देखने को मिला है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 के साथ ओपनिंग की थी। रिलीज के दूसरे दिन शनिवार को एक रिपोर्ट के अनुसार 5 से 5.25 करोड़ रुपए तक जुटाए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार वीकेंड पर फिल्म की कमाई में भारी उछाल देखने को मिला है। डॉक्टर जी एक कैंपस कॉमेडी फिल्म है जो एक कॉमेडी मेडिकल कॉलेज में आने वाली एक कॉमेडी ड्रामा में है। ये फिल्म अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और सुमित सक्सेना, सौरभ भारत और विशाल वाघ के सहयोग से उनके द्वारा लिखित है। 14 साल की उम्र में ड्रीम गर्ल ने रखा था कदम। अपनी खूबसूरती और शानदार अदाकारी के लिए बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी। हमें इतना खूब हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत के उस दौर में कई दीवाने थे। इनमें से एक थे एक्टर धर्मेंद्र, जो पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद हेमा मालिनी से दिल लगा बैठे और उनके साथ शादी कर ली। हेमा मालिनी ने 16 अक्टूबर को अपना 74वां जन्मदिन मनाया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनसी न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइक कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनसी न्यूज़ पर। नमस्कार।